ओके सो एस डी आई में गिव क्या है देखिए उस टाइम से बोला है कि द पाई चार्ट गिविन बिलो शोज द डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैनुफैक्चर एंड नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय फाइव डिफरेंट लैपटॉप कंपनीज इन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन ओके यहाँ पर आपके पास बताया गया कि, कि कितने परसेंटेज ऑफ लैपटॉप्स मैनुफैक्चर हुए हैं यहाँ पर आपके पास बताया गया है कि कितने परसेंटेज ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड हुए हैं ठीक है उसके टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय ऑल दी फाइव कंपनीज टुगेदर इन 2019 थाउजेंड एंड परसेंट और आई कैन से इसको हम क्या बोल सकते हैं ये हम बोलते हैं 66 सिक्स टू बाई थ्री परसेंट और 200 हंड्रेड अपॉन थ्री परसेंट या फिर टू बाई थ्री ठीक है तो उसके के जो आपके पास नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड हुए थे वो टू बाई थ्री हैं किससे द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स मैनुफैक्चर बाय ऑल द फाइव कंपनीज किससे जितने भी मैनुफैक्चर हुए थे राइट right. उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय एच पी एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड लैपटॉप्स ऑफ सोनी इज टू फोर्टी ओके और उसने लगा कि जो आपके पास डिफरेंस है किसका नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो सोल्ड हुए एच पी के ठीक है और जो आपके पास अनसोल्ड हैं किसके सोनी के फाइन वो कितना दिया हुआ है टू फोर्टी दिया हुआ है ठीक है और उसमें बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ और लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड वो बराबर किसके नंबर ऑफ लैपटॉप्स जो सोल्ड और अनसोल्ड है ठीक है इतनी आपके पास इंफॉर्मेशन है अब इसको किस तरीके से यूज करना है यूटिलाइज करना है उसको समझिए सबसे पहली चीज उसने मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड का रेशियो दिया हुआ है टू इस टू थ्री तो हम इसका यूज़ करेंगे काफ़ी किस तरीके से मैनुफैक्चर के आगे थ्री लिख लीजिए और सोल्ड के आगे टू लिख लीजिए इनका जो रेशियो है वो थ्री इस टू टू है ठीक अब आगे उसने हमसे एक लाइन बोली क्या कि जो डिफरेंस है किसका जितने एच पी के सोल्ड हुए हैं अब देखो एच पी के सोल्ड कितने हुए हैं अगर हम बात करें एच पी इसके सोल्ड कितने हुए हैं इसमें डिग्रीज में वैल्यू है इसको डिग्रीज में रहने दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर मैं इसमें इंटू टू का मल्टीप्लीकेशन करा दूंगा मतलब एचपी के सोल्ड कितने हुए थर्टी टू पॉइंट फोर इंटू टू मतलब एट फोर सिक्स ठीक है माइनस जितने आपके पास सोनी के अनसोल्ड है अब अनसोल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं जितने भी मैन्युफैक्चर हुए उसमें से अगर हम माइनस कर दें सोल्ड को तो सोनी की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं सोनी के मैन्युफैक्चरिंग इसमें अगर मैं इंटू थ्री करा देता हूं मतलब एट्टीन वन कैरी फिफ्टीन वन सिक्सटीन वन कैरी ट्वेंटी टू ठीक है ये हो जाएगा आपके पास मैनुफैक्चर टू टू सिक्स पॉइंट एट और सोल्ड कितने हुए देखिए सोनी के अगर मैं सोल्ड की बात करूँ तो एट्टी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टू मतलब एट ट्वेल्व वन कैरी वन सेवनटीन ठीक है तो अनसोल्ड कितने होंगे देखो अगर हम बात करते हैं ये आपके पास ज़ीरो फोर फिफ्टी फोर ठीक है तो सिक्सटी फोर पॉइंट एट माइनस फिफ्टी फोर डिग्रीज ये सब डिग्रीज में बात हो रही है तो ये बराबर किसके हो जाएगा देखो जीरो पॉइंट एट ज़ीरो वन ठीक है मतलब इतना डिग्री आपके पास वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी टू फोर्टी के बराबर ठीक है या तो आप यहाँ पर वन की वैल्यू निकाल लीजिए वन बराबर हो जाएगा टू फोर्टी अपॉन टेन पॉइंट एट और आई कैन से ये आपके पास कितना हो जाएगा टू डबल ज़ीरो नाइन टू हंड्रेड अपॉन नाइन ठीक है अब हम इसका यूज़ करेंगे अब आपको बस दो चीज़ें दिमाग में रखनी है अपनी क्या इसका रेशियो कितना है थ्री टू टू है ठीक है और वन की वैल्यू बराबर किसके टू हंड्रेड अपॉन नाइन के है करेक्ट अब इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किस तरीके से देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं ये आपके पास थ्री और टू है और हम जानते हैं वन बराबर डिग्री के हिसाब से टू हंड्रेड अपॉन नाइन इसकी ज़रूरत वहां पड़ेगी जहां पर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है ठीक है अब पहला क्वेश्चन क्या है उसने लगा कि इफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाई एप्पल इन सिटी ए बी एंड सी आर इन द रेशियो इतना ठीक है एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल ने सोल्ड कितना करें देखो एप्पल है इसका सोल्ड मतलब ये इन ये वन एट्टी ठीक है एप्पल की अगर हम बात करें तो ये सोल्ड है रेशियोज आई मीन डिग्री के अकॉर्डिंग वो वन एट्टी है और इसमें से भी उसने तीन सिटीज में सोल्ड कराए ए बी और सी में उसका रेशियो उसने दिया हुआ है सिक्स इज टू सेवन इज टू थ्री राइट आगे क्या बोला है एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनसोल्ड वाइट कलर्ड लैपटॉप्स टू ब्लैक कलर्ड लैपटॉप्स ऑफ एप्पल वॉज इतना रिस्पेक्टिवली अच्छा और जो आपके पास वाइट कलर के अनसोल्ड और ब्लैक कलर के अनसोल्ड हैं उनका रेशियो ये दिया हुआ है तो अगर हम बात करें एप्पल के केस में ही आपके पास अनसोल्ड हम कैसे निकाल सकते हैं देखो 180 तो आपके पास मैनुफैक्चर थे सॉरी 180 आपके पास सोल्ड थे मैन्युफैक्चर कितने थे एप्पल के केस में इसमें अगर हम इंटू थ्री कराते हैं मतलब ये कितना देगा ट्वेल्व वन कैरी एटीन वन नाइनटीन वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ठीक है तो मतलब क्या 259.2 अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में से सोल्ड क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा देखो 79.2 ये आपके पास अनसोल्ड हुए अब उसने क्या बोला कि आपके पास रेशियो दिया हुआ है किसका अनसोल्ड व्हाइट और अनसोल्ड ब्लैक का वो कितना है फिफ्टीन इस टू सेवन है ठीक है उस टाइम से बोला क्या है कि देन

और अगर हम बात करें नंबर ऑफ अनसोल्ड ब्लैक अनसोल्ड ब्लैक कैसे हो जाएगा ये आपके पास है वाइट का ये आपके पास है ब्लैक तो अनसोल्ड ब्लैक हम कैसे निकाल सकते हैं सेवन अपॉन ट्वेंटी टू इंटू ये हो जाएगा तो यहाँ से देख लो आपको बताना है कि ये ठीक है किसका इसका कितना परसेंटेज है इसको सॉल्व कर लीजिए सेवन इंटू वन अपॉन सिक्सटीन इंटू सेवन ऊपर आपके पास हो जाएगा ट्वेंटी टू नीचे आपके पास सेवेंटी नाइन पॉइंट टू इन टू हंड्रेड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा एक ज़ीरो यहाँ पर हो गया ठीक है सेवन से सेवन कैंसिल आउट हो गया एलेवन से गया टू ज़ीरो टाइम्स एलेवन से गया सेवन और टू टाइम्स ठीक है ये आपके पास फोर टाइम्स गया ये आपके पास फाइव टाइम्स गया ठीक है तो अगर हम देखें आपके पास फाइव टाइम्स गया या आपके पास एट टाइम्स गया तो ट्वेंटी फाइव अपॉन एट इन टू हंड्रेड ये आपके पास परसेंटेज आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा टू फाइव डबल ज़ीरो अपॉन एट और आई कैन से इसको अगर मैं ट्वेल्व पॉइंट फाइव से मल्टीप्लीकेशन करा देता हूँ मतलब ये आपके पास थ्री वन टू पॉइंट फाइव परसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ तोशिबा मैन्युफैक्चर्स फोर कलर्स ऑफ लैपटॉप्स ठीक है अगर तोशिबा मैन्युफैक्चर करता है चार अलग अलग कलर्स के लैपटॉप्स रेड ब्लू वाइट एंड ग्रे एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड ब्लू वाइट एंड ग्रे लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर्ड बाय तोशिबा एंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सेल ऑफ द लैपटॉप्स इस रेशियो में रेशियो ध्यान से दीजिएगा यहाँ पर देखिए रेड ब्लू वाइट और ग्रे है और यहाँ पर रेशियो अलग है ठीक है वो कितने दिए हुआ है ये दिया हुआ है आपको फाइंड आउट क्या करना है देन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड ग्रे लैपटॉप्स एंड अनसोल्ड रेड लैपटॉप्स तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए अगर हम बात करें तोशीबा की तो तशीबा तो ने मैन्युफैक्चर कितना करा था सेवेंटी नाइन पॉइंट टू ठीक है इन टू थ्री फ़ाइन ये आपके पास टू और वन बराबर है टू हंड्रेड अपॉन नाइन के ठीक है और अगर हम बात करें तोशिबा ने ठीक है सेल कितना कराया देखिए ये इंटू टू ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री फाइन और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपके पास टू ज़ीरो वन पॉइंट सिक्स फाइन तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर में जो आपके पास रेशो दिया है टू थ्री सेवन पॉइंट सिक्स इसमें जो आपके पास रेड ब्लू वाइट और ग्रे का रेशियो कितना दिए टू इज़ टू वन इज़ टू थ्री इज़ टू टू फाइन और यहाँ पर अगर हम बात करें ये आपके पास टू ज़ीरो वन पॉइंट सिक्स ये सोल्ड है तो इसमें से रेड ब्लू वाइट और ग्रे इसका रेशियो कितना हो जाएगा अब इसको ध्यान से पढ़िएगा इसमें रेड की अगर हम बात करें तो थ्री है ठीक है ब्लू की अगर हम बात करें तो टू है वाइट की अगर हम बात करें तो सेवन है और ग्रे कितना है ग्रे आपके पास टू है ठीक है तो आपको निकालना क्या था अनसोल्ड ग्रे अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं ग्रे मैन्युफैक्चर कितने हुए देखो टू थ्री सेवन पॉइंट सिक्स टू अपॉन ये आपके पास कितना हो जाएगा एट इतने मैन्युफैक्चर हुए इसमें से अगर हम माइनस कर दें जितने सोल्ड हो गए तो आपके पास टू ज़ीरो वन पॉइंट सिक्स इंटू टू अपॉन ये आपके पास कितना हो जाएगा ठीक है ये आपके पास क्या आ गए अनसोल्ड ग्रे हो गए अब आपको डिफरेंस निकालना है ना तो दूसरा आपके पास रेड अगर हम निकालना चाहेंगे अनसोल्ड कैसे निकाल सकते हैं रेड मैनुफैक्चर कितने हुए देखिए टू थ्री सेवन पॉइंट सिक्स इंटू रेड मैन्युफैक्चर हुए टू अपॉन एट माइनस और ये सोल्ड कितने हो गए टू ज़ीरो वन पॉइंट सिक्स इंटू थ्री अपॉन फोर्टीन अब आपको क्या करना है इन दोनों के बीच के डिफरेंस निकालना है ना तो ऑब्वियसली ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके पास राइट right. अगर मैं इसमें से इसको सबस्ट्रेड करता हूँ तो ये आपके पास कितना जाएगा देखो टू जीरो वन पॉइंट सिक्स आप बाहर कॉमन ले लीजिए फोर्टीन आप बाहर कॉमन ले लीजिए अंदर आपके पास थ्री माइनस टू बचेगा मतलब आपके पास कितना आ गया ये आपके पास डिग्रीज में वैल्यू आई राइट अब इसकी आपको वैल्यू कैसे निकालनी है हम जानते हैं वन बराबर है टू हंड्रेड अपॉन नाइन के तो टू जीरो वन पॉइंट सिक्स अपॉन फोरटीन इंटू टू हंड्रेड अपॉन नाइन इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा कितना आएगा देखिए थ्री ट्वेंटी मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए